पूर्वोदय से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल और लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज प्रेस द बेल आइकन। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने अपने संन्यास की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि उनका अब एकमात्र लक्ष्य 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। 21वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय मुक्केबाजों के लिए भारतीय मुक्केबाजी संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में मैरी कॉम ने कहा, कौन कहता है मैं संन्यास लेने जा रही हूँ, मैंने संन्यास के बारे में अभी तक सोचा तक नहीं, यह सब अफवाह है। उन्होंने यहां तक कहा कि उनका अब एक ही सपना बाकी है, वह है ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना। इस सपने को वह 2020 में टोक्यो ओलंपिक में पूरा करने की कोशिश करेंगी। मैरी कॉम ने कहा कि उनकी उम्र को लेकर लगाए जा रहे कयास बेकार हैं। उनके मुक्कों में अभी भी काफी दम है और वह ये बात अच्छी तरह से जानती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ एंड कमेंट बॉक्स में सुझाव देना ना भूलें।